रुपये का ब्याज 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों में 150 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक क्या दिया गया है? दिया गया है दर बराबर 10%, समय बराबर 5 वर्ष तथा ब्याज बराबर 150 रुपया। फॉर्मूला होता है दर बराबर 10%, समय बराबर 5 वर्ष तथा ब्याज बराबर 150 रुपया। तो मूलधन बराबर 100 ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर। तो ब्याज दिया गया है 150 रुपया, तो 150 हो जाएगा ब्याज की जगह पर, गुणा है तो गुणा क्या चाहिए, 100 है तो 100 हो जाएगा, बटा समय दिया गया 5 वर्ष, तो समय की जगह पर 5 हो जाएगा, गुणा तो गुणा 3 हो जाएगा, दर दिया गया 10%, तत्व की जगह पर 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 10 5 2 10, यहाँ 150 बचा है, यहाँ 2 बचा है, 150 में 2 से गुणा करेंगे तो 300 रुपया, ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने समय में 600 रुपया का ब्याज 5% की दर से 180 रुपया होगा? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है मूलधन बराबर 600 रुपया, दर बराबर 5%, तथा दर बराबर 5% तथा ब्याज बराबर 180 रुपया। तो समय निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला होता है समय बराबर ब्याज गुणे 100 बट्टा मूलधन गुणे दर। ब्याज दिया गया 180 रुपया, तो ब्याज 180 रुपया हो गया, गुणा है तो गुणा का चिन्ह, 100 है तो 100 हो जाएगा, बट्टा मूलधन कितना है 600, तो यहाँ 600 हो गया, और गुणा दर कितना है 5%, तो जगह 5 हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 180, 36 मत में, फिर 6 6 के 36 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 वर्ष आंसर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 6 वर्ष।